नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आरके ने यूट्यूब चैनल में। आज का फिर से एक नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि अगर आप भी बिहार से हैं, टेंथ या ट्वेल्थ पास हैं, तो दो नई भर्ती निकल कर आ रही है पंचायती राज विभाग की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे उस भर्ती से रिलेटेड, यानी किस तरह भर्ती होगी, कितना सैलरी होगा, क्या काम करना होगा, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, टेंथ या ट्वेल्थ पास हैं, तो आपको वो अपने पंचायत में ही जॉब मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, अभी से एक वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो को बनाने में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा पेपर कटिंग 30 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। देख सकते हैं संविदा पर होगी नियुक्ति, पंचायती राज विभाग बना रहा है प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यानी किस तरह इसका आवेदन होगा, क्या क्या इसमें मांगा है, सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक। यहाँ देख सकते पेपर कटिंग प्रकाशित किया गया था पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और इसमें बारी बारी से बतलाया गया सारा बात इस बतलाएगा हम, जो कि इस वीडियो से। पंचायती सरकारी भवन में सफाई कर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी, कि जो भी भाई कर्मी को लेकर और गार्ड को लेकर, यानी दो पदों पर होगी सफाई कर्मी और दूसरा होगा गार्ड को लेकर। अब क्यों रखा जाएगा इसमें भी बतलाएगा, ताकि भवनों और उनमें रखे यानी उनमें रखे सामान की रक्षा हो सके, साथ ही भवनों के साथ की रक्षा हो सके, उनके साथ ही भवनों के साफ सफाई नियमित रूप से होती रहे, इसको लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। संविदा पर इनकी नियुक्ति होगी, यानी कि जो भी भर्ती होंगी संविदा पर होगी। अब चलिए और भी बात इसमें बताया गया, विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के बाद इस पे कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गार्ड और सफाई कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इनके चयन के आधार पर क्या होगा और कितनी राशि होगी इनके मानदेय रूप में दी जाएगी, इस पर विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। यानी कि इसमें बताया गया कैसे इसका, यानी कि इसमें इसका इसका कितना सैलरी होगा, इसके किस तरह बहाली होगी, यानी कि परीक्षा होगा या क्या, इसमें अभी मंथन यानी कि बात चल रही है। ठीक है फ्रेंड, अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है, यानी कि इसका अंतिम निर्णय अभी बाकी है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पंचायती सरकार भवनों में कंप्यूटर, पंखे, कुर्सी, टेबल, फाइल आदि रहती है, इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। भवनों और परिसर में बिल्कुल साफ सफाई रहे, इसके लिए वह कर्मी की तैनाती आवश्यक है। यानी कि इसको लेकर, यानी कि जो भी ऑफिस में होगा, पंखा होगा, कुर्सी होगा, टेबल, इसकी सुरक्षा के लिए यानी कि एक गार्ड रखा जाएगा और उसको सफाई कर्मियों के लिए यानी कि साफ सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मी रखा गया, इसमें बात कहा गया है। ठीक है, वर्तमान में सुरक्षा और सफाई कर्मियों के लिए कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है, नहीं की गई है। मालूम हो कि ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों और कर्मियों को यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। 1500 पंचायत सरकार भवन बने हैं, वर्तमान में करीब 1500 पंचायत सरकारी भवन बन चुके हैं। वहीं 1700 से अधिक पंचायतों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। हालांकि राज्य के 8067 पंचायतों में पंचायती सरकार भवन बनने हैं, इसका निर्माण चरणवार किया जा रहा है। 3000 और पंचायती सरकार भवन बनाने की सहमति प्रदान कर दी गई है, शीघ्र ही 3000 नई पंचायतों का भवन बनाने का कार्य शुरू किया जाए। यानी कि बहुत सारी पंचायतों यानी बहुत से पंचायतों बाकी यानी बनना इसका बाकी है, यानी सभी यहाँ देख सकते बिहार में 8067 पंचायत है, अभी बहुत से पंचायत में अभी ये काम नहीं हुआ, इसी को लेकर इसको थोड़ा लेट भी हो सकता है। यानी कि किस तरह पंचायती भवन बनेंगे इसमें बताया गया, 3200 भवन बनने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि पंचायती सरकार भवन का निर्माण, जो भी पंचायती भवन निर्माण होता है, मुखिया के द्वारा कराया जाता है। इसके लिए ग्राम पंचायत के कई चरणों में राशि दी जाती है। भूमि चिन्हित करने में देरी हो से अब तक 1500 पंचायत सरकार भवन का ही निर्माण किया जाए, यानी कि जो भी पंचायत भवन बनता है मुखिया के द्वारा ही बनता है, यानी कि मुखिया जमीन चिन्हित करते हैं, उसके बाद सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है और अभी बनाया जाता है। लेकिन अभी तक 1500 पंचायत भवन बना है, बाकी का अभी नहीं बना है। विभागीय निर्णय का तो 2021 तक 3200 पंचायती सरकार भवन बना दिया जाए, यानी कि विभाग की ओर से निर्णय ये लिया गया था कि साल 2021 तक 3200 पंचायत सरकार भवन बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका काम चल रहा है। तो इस तरह की बहाली आई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है फिर, वीडियो में किसी प्रकार अगर दिक्कत हुई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त, वीडियो को लाइक कर दिए और ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके इस भर्ती से रिलेटेड। यानी कि ये भर्ती अभी आई नहीं है, यानी आने की बात कहिएगा, और कब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता, यानी हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। अगर जारी किया जाएगा इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, वीडियो को हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त।